हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के मैथ्स के डायनेमिक पेपर की यूनिट नंबर 2 को। यूनिट नंबर 2 के इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस बताएंगे। ये वाली यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में से कम 3 से 4 पार्ट निकल कर आएंगे और वो जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उनमें से कई सारे MCQs निकल कर आएंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिफॉर्म फोर्स दैट विल मूव 2 kg मास फ्रॉम रेस्ट थ्रू 4 meter इन 4 seconds। फाइंड द यूनिफॉर्म फोर्स दैट विल मूव 2 kg मास फ्रॉम रेस्ट थ्रू 4 meter इन 4 seconds। ऑप्शन नंबर ए है 2 newtons, बी है 2.5 newtons, सी है 0.5 newtons, डी है 1 newton। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम्स इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 4 meters/cm पर सेकंड इन 10 सेकंड्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड हाउ लार्ज इज द फोर्स एक्टिंग। ऑप्शन नंबर है 20 dynes, बी है 10 dynes, सी है 50 dynes, डी है 25 dynes। आप सोच रहे होंगे कि मैं इनके आंसर क्यों नहीं बता रहा, या फिर जो इनका सोल्यूशन है वो क्यों नहीं दिखा रहा। बात यह है कि ये जो 3 questions है इनके आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इनके आंसर आपको ही बताने हैं। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जो इसका सही आंसर है वो हमको बताना है इन तीनों का, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम पार्ट नंबर 2 में अनाउंस किया जाएगा। और ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप मेरी ये वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इन क्वेश्चन से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आने हैं, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, इनका आंसर फट से हम फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रख के निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूलेज जो हैं वो इस वीडियो में हम आके डिस्कस करेंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 200 kg इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 8 newton फॉर 20 minutes। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड। ए बॉडी ऑफ मास 200 kg इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 8 newton फॉर 20 minutes। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड। ऑप्शन नंबर ए है 30 meters/s, बी है 28 meters/s, सी है 48 meters/s, डी है 50 meters/s। तो फ्रेंड्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब आप वीडियो को पूरा देख लीजिए तो इनको सॉल्व करके हमें फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर दे देना। जिसका आंसर सही होगा और जो सबसे पहले कमेंट में आया होगा, पहले तीन जिन तीन लोगों ने कमेंट किया होगा सबसे पहले सही आंसर के साथ, उनका नाम, उनके नाम हम अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे, सॉरी अगले पार्ट में अनाउंस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस पार्ट नंबर 1 की। पार्ट नंबर 1 में फर्स्ट हमारा टॉपिक है मास। मास क्या होता है? मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मास। मास की यूनिट्स बतानी है। इन FPS सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड। FPS सिस्टम में क्या यूनिट मास की? पाउंड। इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। एंड इन MKS सिस्टम मतलब SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो 3 units हो गई, कौन कौन सी? FPS में क्या है? पाउंड। CGS में है ग्राम। और MKS सिस्टम यानी SI यूनिट है किलोग्राम। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। और मोमेंटम इक्वल टू में मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। फ्रेंड्स, ये जो मैं करवा रहा हूँ डेफिनेशंस, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं और इन डेफिनेशन से भी MCQ निकल कर आ सकते हैं। जैसे कि मोमेंटम का फॉर्मूला आ सकता है, उसके 4 options हो सकते हैं। मोमेंटम की डेफिनेशन, जैसे कि ये डेफिनेशन दे दी जाएगी, डैश ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी, तो 4 options दिए जाएंगे, उसमें से मोमेंटम ठीक होगा। तो इसलिए हम ये करवा रहे हैं। MCQ के जरिए अगर हम करवाते तो आप लोगों को कम समझ में आता, इसलिए हम इसको डेफिनेशन के थ्रू करवा रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। इन FPS सिस्टम के अंदर क्या है यूनिट? पाउंड।
पाउंड एफ टी पर सेकेंड, पाउंड फिट पर सेकेंड। और सी जी सिस्टम में क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड एम के सिस्टम मतलब एस आई यूनिट इज के जी मीटर पर सेकेंड। ये थी यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। आगे फोर्स, ए फोर्स इज एन एक्शन विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एक्शन विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है इम्प्रेस्ड फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग अपॉन ए बॉडी आर कॉल्ड इम्प्रेस्ड फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो भी बॉडी पर एक्ट कर रही है उसको हम इम्प्रेस्ड फोर्स कहते हैं, लेकिन द म्यूचुअल फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज किसको कहते हैं, जो म्यूचुअल फोर्स होती है एक्शन और रिएक्शन की उसे हम इंटरनल फोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम तीन लॉ पढ़ेंगे न्यूटन्स के। तो फर्स्ट लॉ है एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय इम्प्रेस्ड फोर्सेस टू चेंज दैट स्टेट। मतलब ये है कि एवरी बॉडी, हर एक बॉडी अपनी कोई भी स्टेट में हो, मतलब चाहे वो होनी वो स्ट्रेट लाइन में चाहिए, चाहे वो रेस्ट में है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, वो कंटिन्यू ही रहती है अपनी स्टेट में, चाहे वो रेस्ट में है चाहे यूनिफॉर्म मोशन में है। तब तक, कब तक वो कंटिन्यू रहती है, जब तक कोई इम्प्रेस्ड फोर्स उस पर ना लग जाए कि वो उसकी स्टेट को चेंज कर दे। ठीक है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन किस में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अनलेस कब तक, इट इज कंपेल्ड बाय इम्प्रेस्ड फोर्सेस टू चेंज दैट स्टेट। नेक्स्ट है नेसेसरी कंडीशन ऑफ फोर्स टू चेंज। इसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं कि फोर्स कैसे, जो फोर्स चेंज होता है वो क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेसेसरी कंडीशन ऑफ फोर्स टू चेंज इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज। इस लॉ के दौरान जो फोर्स को जरूरी होता है चेंज करना, क्या चीज़, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी, किसी भी रेस्ट बॉडी की स्टेट को चेंज करना, द स्पीड ऑफ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करी उसकी स्पीड को चेंज करना, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट इवन चेंजिंग इट्स स्पीड। बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना उसकी स्पीड को चेंज किए बिना, ठीक है, ये तीन चीज़ें, ये तीन कंडीशन बहुत ही नेसेसरी है, तभी यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ लागू होगा। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जो हमने स्टेटमेंट दी है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, उसके कुछ पार्ट्स हैं। इसके मेनली दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए बॉडी एट रेस्ट विल फॉर एवर रिमेन एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट है बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन विल कॉन्टिन्यू इट्स मोशन इन द सेम डायरेक्शन। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो कॉन्टिन्यू मोशन में रहना चाहेगी उसी डायरेक्शन के अंदर। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या मतलब, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल टू में मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स को हम पी से डिनोट करेंगे, पी इक्वल टू में एम मल्टीप्लाई एफ, एम मास है और एफ क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इक्वल टू में पी बाय में एम, पी इक्वल टू में एम मल्टीप्लाई एफ है तो एफ इक्वल टू में पी बाय में एम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेज। Principle of physical independent of forces. It states that each force acting on body produces an effect in its direction, irrespective of the pressure of the other forces. This is the second part of the Newton's second law of motion. जो हमारा principle of physical independence of force है, physical independence of force का principle वो क्या है, Newton's second law का second part है। और ये क्या कहता है, it states that each force acting on body produces an effect in its direction, ठीक है,
irrespective of the pressure of the other forces. Okay. Next is Newton's third law of motion. Newton's third law of motion simple है. To every action there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. Next है absolute unit of forces. अब हम forces की unit को study करेंगे. Absolute unit of forces. In FPS system, force की unit क्या है? FPS system के अंदर poundal. CGS system के अंदर है dyne और MKS system के अंदर है उसको हम ऐसे यूनिट भी बोले न्यूटन. फोर्स कैसे यूनिट है न्यूटन. एफपीए सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट है पाउंडल. सीजे सिस्टम में डाइन एंड एमके सिस्टम में न्यूटन. नेक्स्ट है वेट ऑफ बॉडी. वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. डब्ल्यू इक्वल टू में एम जी इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ बॉडी का. यहाँ पर वेट इक्वल टू में मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड वेट इक्वल टू में मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन. नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स. अभी हमने एब्सोल्यूट यूनिट्स पढ़ी अब हम ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे. ग्रेविटेशनल में एफपीए सिस्टम के अंदर जो यूनिट है फोर्स की वो है पाउंड वेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो LBWT लिखते हैं मतलब LB वेट. FPS सिस्टम में पाउंड वेट. CGS सिस्टम में है ग्राम वेट इसको लिखेंगे GMWT मतलब ग्राम वेट शॉर्ट फॉर्म में. और MKS मतलब SI यूनिट क्या है किलोग्राम वेट. किलोग्राम वेट KG वेट. तो ये थी हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स कौन कौन सी. FPS में पाउंड वेट, CGS में ग्राम वेट और MKS में किलोग्राम वेट. तो इसीलिए दस वी हैव वन पाउंड वेट. तो 1 pound वेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा या फिर 1 LB वेट बोले तो ग्राम पाउंडल्स. और इसके अंदर कितने हो जाएंगे पाउंडल्स 32 पाउंडल्स. ये इंपॉर्टेंट है इसे वैल्यूज को ध्यान रखना. 1 pound वेट इक्वल टू में 32 पाउंडल्स एंड 1 gram वेट और 1 gram वेट इक्वल टू में ग्राम डायंस इट इज इक्वल टू 981 डायंस. 1 gram वेट इक्वल टू में 981 डायंस एंड 1 kilogram वेट इक्वल टू में ग्राम न्यूटन्स जिसको हम कैसे लिखेंगे 9.8 न्यूटन्स. ठीक है फ्रेंड्स जैसे वन दोबारा से पढ़ लीजिए. 1 pound वेट इक्वल टू में ग्राम पाउंडल्स 32 पाउंडल्स और 1 gram वेट आ जाए तो ग्राम डायंस 981 डायंस. 1 kilogram वेट आ जाए तो ग्राम न्यूटन 9.8 न्यूटन्स. तो ये था हमारा यूनिट नंबर 2 के जो डायनेमिक्स यूनिट नंबर 2 है उसके पार्ट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन. और वो जो 3 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स उसे जल्दी से जल्दी अब आपको फॉर्मूले सारे पता लग चुके हैं जो जो उसमें क्वेश्चन में यूज होने हैं. अब फटाफट हमको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर दे दीजिए सॉल्व करके. ठीक है फ्रेंड्स और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में. और नेक्स्ट वीडियो में जिसने सबसे पहले कमेंट किया उन 3 फ्रेंड्स का नाम अनाउंस किया जाएगा.